अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद आपकी स्किन डे बाय डे इतनी नेचुरली ग्लो हो जाएगी कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट, पिंपल्स, एक्ने के निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको अपनी मनचाही रंगत आप जितनी वाइट और ब्राइट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से मैंने तैयार की है और ना ही इसमें बहुत ही ज़्यादा महंगे इन्ग्रीडियंट्स ऐड हुए हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देनी है दही। दही हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नेचुरली ग्लो देती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन को वाइट और ब्राइट करती है। आपने 3 से 4 चम्मच दही के ले लेने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है बेसन। बेसन हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, बेसन हमारी स्किन को नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। बेसन एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसको ऐड करने के बाद आप ऐसा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं जो कि टीनेज बच्चियां, बच्चे, बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें टमाटर का पल्प ऐड कर देना है, क्योंकि हमारी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड, वाइट हेड हो जाते हैं। ब्लैक हेड, वाइट हेड को ख़त्म करने के लिए टमाटर के पल्प से ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। बिलीव मी, ये हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड कर देनी है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइट और ब्राइट करती है और ग्लो प्रोवाइड करती है। ये बन गया है हमारा होममेड उबटन। अगर आपकी स्किन पे एक्नी, पिंपल्स के निशानात हैं तो आप उनको रिमूव करने के लिए ये फार्मूला तैयार करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल हमेशा हमारी एक्नी को ख़त्म करता है, दाग धब्बों को मिटाता है। आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और जैसे आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ आपको एक्नी, पिंपल्स के निशान हो या एक्नी पिंपल हो तो आपने वहाँ टैप टैप करके इसको लगा देना है, देन आपने इसको ड्राई होने के बाद वॉश कर लेना है। अब आ जाते हैं जी अपने फार्मूले की तरफ। अब हमने इसको लगाना कैसे है, अब आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से लेप कर लेना है और अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा इस फार्मूले का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपने इसको 1 वीक के लिए डेली यूज़ करना है। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकदार, वाइट, ब्राइट, नरमो मुलायम और बेदाग हो जाएगी। ये रेमेडी ऑल स्किन टाइप्स है, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है या सेंसिटिव स्किन है, सब इस रेमेडी को यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने चेहरे पे लगाने के बाद इसको आपने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए और इसको ड्राई होने तक का इंतज़ार करना है। ड्राई होने के बाद आपने क्या करना है, जो हमने टमाटर का पल्प लिया था उसका छिलका हमारे पास पड़ा है, वो हमने क्या करना है, अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से इसके साथ हमने मसाज करना है। इस फॉर्मूले को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो आएगा, एक्स्ट्रा वाइटनिंग आएगी। इस फॉर्मूले के बाद आपकी स्किन क्लीन, क्लियर और हेल्दी हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देगी। आप इस रेमेडी को एज ए क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं और फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है ये रेमेडी। अच्छी तरह से आपने इसका मसाज करने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी नरमो मुलायम हो जाएगी, आपको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा कि इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आपके चेहरे पे आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए कि इतना ज़बरदस्त मेरे हाथों पर रिजल्ट आया है कि बहुत कमाल हो गया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के अल्लाह हाफिज़।